आ रहा लोकतंत्र का वोटा की कहोगे? बस मैं लोगों को मुबारकबाद देनी चाहना कि तुसी इस लोकतंत्र करके लोगों की पुछ गिछ होंदी ने, इस देश चलता है। और मैं बेनती करांगा कि इस लोकतंत्र की जिहड़ी महानता है उन्हूं बरकरार रखना। हर एक व्यक्ति अज चाहे वह दूर दराडे बैठा कितने भी बैठा, उन्होंने आपकी वोट का अधिकार है जिहड़ा उहदा इस्तेमाल करना चाहिए। वोट पा के चंगे लोगों को चुनना चाहिए, चंगी सोच वाले लोगों को चुनना चाहिए, चंगे व्यक्ति विशेष नूं चुनना चाहिए, यही कहना चाहूंगा। वड्डियां रैलियां बंद रहियां ने, किवें लगदा हैगा इस वारी किवें लाया पचोल? मैं कहना बहुत चंगा रहा वड्डियां रैलियां, कोई क्योंकि उहदे च वी मैं समझदा कि लोगों नूं डिस्टर्बेंस होंदी है, लेकिन हाँ माहौल बनाउणा से कम चलता है। जे इलैक्शन बैन मुकम्मल तौर पर इलैक्शन कमीशन ये वड्डियां रैलियां बंद कर दे तो मैं लगता होर बेहतर होएगा आने वाला माहौल। लगातार तुसीं बयान दे रहे हो बादल परिवार जिहड़े सारे इकट्ठे हो गए, मैनूं सो मैं ये आख्या भी जिथे जिथे बादल लड़ रहे चुनाव सारे बादल इकट्ठे ने, क्योंकि पहला भी ये अक्सर इकट्ठे होंगे है, राजनीति करते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता इस बारी बिल्कुल, क्योंकि मीडिया है सब कुछ है, चेहरा नंगा हो गया है। सो मैं लोगों को ये बेनती करता कि जिथे जिथे बादल लड़ रहे ने उन्होंने रगड़ के रख देना चाहिए। लगता की लगता है एक्सेप्ट की करते लोगों को? लोग मैनू लगता है कि मैनू तीजी बारी हुण फिर जितन दा मौका देंगे, और मैं इलाके दे जो भी पहला भी काम किए उस कामों के आधार पर हैट्रिक मारा। वड्डे प्रोजेक्ट लेके आए इस बार, की वड्डा प्रोजेक्ट लेके आओगे जो मंत्री बोले? मैनू लगता है कि अनइंप्लॉयमेंट बहुत है, कोई वड्डी इंडस्ट्री आनी बड़ी जरूरी है, सो रोज़गार लोगों को मिले उहदे उत्ते काम करा।